सोनम महाजन एक बहुत ही सोशल मीडिया का वाइब्रेंट नाम है, पैनलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बहुत ही प्रिसाइज बातचीत करती हैं जब भी पाक भारत रिलेशनशिप की बात हो, भारत के अपने जो कॉन्टेक्स्ट हैं इंटरनेशनल स्टेज पे उसके हवाले से बातचीत हो। आज हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं सोनम महाजन साहिबा। जी खुश आमदेद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैं बातचीत शुरू करूंगा, भारत के अंदर भी एक बातचीत चलती रहती है मगर वो भारत से बाहर का भी इशू है। मैंने अभी रिसेंटली अंबर जैदी जी के साथ एक शो किया लव जहाद के हवाले से, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की लेकिन उसमें यूट्यूब ने मेरे शो पे एक वार्निंग से लगा दी। उन्होंने कहा जो असल कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि लव जहाद इज एन इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी डिलीवर्ड डेवलप्ड बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदुत्व। अब ये बिल्कुल डिफरेंट मेरे ये टॉपिक बन गया, ये बात लव जहाद की बात पीछे रह गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या यूट्यूब हो और सोशल मीडिया हो वो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या खुद एक पार्टी हैं? आप कैसे देखती हैं सोनम साहिबा इस सारी सूरत हाल को? ताहिर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक अभी तक दिस इज नो मोर अ न्यूज़ कि जो द बिग टेक इज प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ दिस यू नो नैरेटिव बिल्डिंग एंड यू नो दे हैव आल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ यू नो इंटरफेयरिंग इन इलेक्शंस इन सो मेनी कंट्रीज। यू नो सबसे पहले तो मैं अपना जो मेरी जाती राय है ना इंटरफेथ मैरिजेस को लेके पहले वो दे दूँ तो ताकि थोड़ा सा चीज़ें परस्पेक्टिव में आ जाएँ। देखिए मेरा ये मानना है कि एक जब आपकी जो आपके मुल्क का कानून है या जो आपका जो आइन जो कहता है उसके हिसाब से जब आप एक एज जो है उसको अटेन कर लेते हैं व्हेन यू आर यू नो लीगली एडल्ट तो उसके बाद वो आपकी मर्जी होती है कि आप किससे शादी करें किससे शादी नहीं करें। तो मैं तो आई एम ऑल फॉर इंटरफेथ मैरिजेस ऑल्सो, तो मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करना चाहे या कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से शादी करना चाहे, मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम यू नो जिसको इंडिया में जिस फिनोमिनन को हम लव जिहाद कहते हैं बहुत से लोग उस पर आ जाते हैं। मुझे ना कभी कभी जो ये हम जो नॉन मुस्लिम्स हैं अब वो उसमें आप क्रिश्चियंस ले लें सिक्स ले लें हिंदूज ले लें कभी कभी बहुत यू नो हंसी भी आती है हम लोगों पे बिकॉज हम चीज़ों को इतना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम यू नो कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो हरकत हैं उनको एक नाम दे दें और फिर उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाता है लेफ्ट की तरफ से। हम सबको पता है कि जितनी जो यू नो सोशल मीडिया जायंट्स हैं उनमें लेफ्ट का बोलबाला है एंड एक ये बड़ी खूबसूरती है इस्लामिस्ट्स की कि जब वो ऐसे ममालिक में होते हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत होती है तो वो वहाँ पे अपनी बात जो है बड़ी खुल के कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे मजहब में है एंड दैट्स अबाउट इट, अब दिस इज़ व्हाट इट यू नो इट इज़ व्हाट इट इज़ और हमारे में तो ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं कि जैसे यू नो नॉन मुस्लिम लड़कियों की जबरन उनकी उनका जो है मज़हब जो है उसको बदलना उनसे निकाह करना। पाकिस्तान का तो खुद का ये डेटा है कि हर साल पाकिस्तान में उनकी खुद की ह्यूमन राइट्स कमीशन कहती है कि 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं जिसमें कुछ सिख भी हैं बट प्राइमरली हिंदू लड़कियाँ ही हैं जिनको हर साल कन्वर्ट किया जाता है यू नो जबरन उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है और फिर उनसे निकाह किया जाता है और फिर उनकी फैमिलीज तक का एक्सेस उनको लेके ब्लॉक कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है वहां पर तो ये चीज बड़ी खुल के होती है। जब ये चीजें होती हैं डेमोक्रेसीज में तो वहां पर हम जो लोग हैं वो बड़े डिफेंसिव पे आ जाते हैं जो एक्चुअली विक्टिम्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड को कहीं बुरा ना लग जाए कुछ यू नो। अब ये जो फिनोमिनन है ना ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है ताहिर जी, आपको पता होगा यूके में एक रोथरहैम स्कैंडल हुआ जिसमें भी इसी तरह के वाकयात हुए, आपने देखा उसमें मतलब एक तरह की एक एथनीसिटी की लड़कियां एक एज ग्रुप की लड़कियां जिसमें प्राइमरली यू नो प्राइमरली क्या मतलब सारी की सारी लड़कियां जो थी दे वर लाइक वाइट चिल्ड्रन यू नो दे वर ग्रूम्ड बाय पाकिस्तानी गैंग्स
और जब ये स्कैंडल बाहर आया तो जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो वहाँ के लेबर के एमपीज हैं वो तो मतलब इस चीज़ को एक किस्म का डिफेंड करने लग गए. इट ऑलमोस्ट कम टू दैट पॉइंट कि आपको लगता है क्या ये इसको डिफेंड कर रहे हैं कि जो इसके बारे में बात कर रहा है वो उसको एक इस्लामोफोब का टैग देना उन्होंने शुरू कर दिया. तो ये जो फिनोमिनन है ना ये रेडिकल लेफ्ट का हर जगह है. अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल कंट्रोल द बिग टेक और ये इस तरह की हरकत करते रहते हैं. इसमें मुझे कोई नई चीज नहीं लगी. अगर आप विकिपीडिया पे भी जाके देखें तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो हिंदुत्वा के प्रोपोनेंट्स हैं उन्होंने एक ये मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है. आई थिंक हमें इन चीजों से आगे बढ़ के अब एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप रॉदरहाम स्कैंडल की बात करें, चाहे आप इंडिया में जो बार बार इस तरह के जो वाकयात हैं सामने आ रहे हैं. फिर मैं आपको बताऊं 2018 में यूके में एक सिख चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी. मेरे ख्याल से उसका नाम था द एग्रावेटेड द रिलीजियसली एग्रावेटेड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिख वुमेन अक्रॉस द यूके. और उसमें भी जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं 100% दे वर द परपेट्रेटर्स. और उस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से ये जो है ये पता नहीं 70s से चला आ रहा है यूके में, जहाँ पे वो यंग सिख लड़कियां जो थी उनको ग्रूम करते थे. अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी. वी हैव टू वॉक दैट पाथ एंड गो बियॉन्ड पोलिटिकल करेक्टनेस एंड आस्क ऑफ आर सेल्व और आस्क ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ओवर रिप्रेजेंटेशन है इस तरह के वाकयात में. जब आप इंडिया पे भी इस पे बात करते हैं तो बहुत लोग आपको कह देते हैं कि यार क्या हिंदू ऐसे काम नहीं करते, क्या क्रिश्चियंस जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपनी बीवियों को उन्होंने नहीं मारा होगा. मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हर रिलीजन में इस तरह के लोग होते हैं जो औरतों के साथ जो तशद्दुद है वो हमारे खिते में इट इज अ बिग प्रॉब्लम. बट अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ओवर रिप्रेजेंटेशन है इस तरह के वाकयात में तो ऑफ कोर्स सवाल तो उठेंगे. इनफैक्ट इसकी तो आउटर इंस्पेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है. इसमें तो हमें एक कम्युनिटी को चाहिए जिनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है कि वो इसको इंट्रोस्पेक्ट करें और वो ये चीज समझाने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि क्या इस चीज को लेके एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है विद इन देयर कम्युनिटी कि आप जो है अपने जैसे कि जो सिख कम्युनिटीज जो रॉदरहाम और सिख कम्युनिटी का जो मैं बता रही हूँ इसमें भी जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो सेम ही था जो इंडिया में है. जो जिस चीज की यहाँ शिकायत की जा रही है कि अपना नाम बदल लेना और फिर फैंसी लाइफस्टाइल अपना एक उसका एक फसाद से बना लेना और फिर जो यंग बच्चियां हैं उनको ट्रैप करना. और अब तो हमारे जो पीपल इन द पुलिस सर्विसेज एंड ऑल दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट इट वेरी ओपनली कि भाई ये क्या हो रहा है. अगर एक कम्युनिटी का नाम बार बार इस तरह के वाकयात में आ रहा है, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि सारी जो मैरिजेस इंटरफेथ हैं उसमें कोई एक रिलीजियस एंगल ही है, बट एन अलार्मिंग नंबर ऑफ हिंदू वुमेन इन इंडिया आर मैरिड टू और इन रिलेशनशिप्स विद मुस्लिम मेन आर मीटिंग अ वेरी ब्रूटल एंड एंड दिस कॉल्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इफ नॉट इंक्वायरी. आई थिंक पीपल आर ओवर सिंप्लीफाइंग इट बाय बीइंग ऑन द By using terms like love jihad and all, which certainly gives ammunition to the Islamist to basically put you on the defensive कि भाई आप तो Islamophobic हैं. And I think हमें statistics पे रह के इसके ऊपर बात करनी चाहिए. और ये जो phenomenon है ये बिल्कुल भी इंडिया तक कन्फाइंड नहीं है, ये पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना है जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है वहाँ पे वो unapologetically कर रहे हैं, जहां पे वो माइनॉरिटी में है वहां पे अगर आप इस चीज को लेके कंप्लेन करें कि ये क्या किस किस्म का बिहेवियर है तो फिर वहां पे आपको बैकफुट पे डाल दिया जाएगा कि भाई आप कंस्पिरेसी थियोरिस्ट हैं और आप कोई इस्लामोफोबिक हैं. तो दैट्स द रियलिटी. इट्स हार्श बट या इट इज व्हाट इट इज. आपने कहा कि ये फिनोमिनन जो है वो सिर्फ भारत का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, जी और आपने यूके की भी एग्जांपल्स दी। अच्छा, इस तरह की कोई चीज़ अगर भारत में होती है, जैसा कि विकिपीडिया इसको इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी करार देगा और यूट्यूब इसको उभारेगा, आपने कहा कि लेफ्ट इस्लामिस्ट जो अलायंस है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत वोकल है, पावरफुल होता जा रहा है,
अब इस तरह के जो इश्यूज हैं, हम पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, फोर्सफुली उनकी मैरिजेज होती हैं। खुद एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है कि एटलीस्ट 1,000 हिंदू एंड सिख गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ दिस सिचुएशन एवरी ईयर, और ये एमनेस्टी की रिपोर्ट तो अभी नंबर कम बता रही है क्योंकि रिपोर्टर ही उनके पास कम होते हैं, नंबर बहुत ज्यादा हैं। फिर भारत में इस तरह के लव जहाद के मामले पे जो इशू होता है तो उस पर जो रिएक्शन वर्ल्ड वाइड है उससे ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान से आता है, तो ये फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इस तरह की बातें कैसे दरारें और डालती हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में वैसे भी बहुत दरारें हैं, मतलब आज से तो नहीं है। अगर कोई फूल्स पैराडाइज में रहना चाहता है और कोई ये समझता है कि नहीं कोई इन इश्यूज से हमारे बीच में जो दरारें हैं वो ज्यादा कोई हो जाएंगी, तो ये तो आई थिंक उसी की प्रॉब्लम है जो ऐसा सोचता है। देखिए, पाकिस्तान हैज एन ऑब्सेशन विद द इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तान हैज एन ऑब्सेशन विद इस्लामिस्ट यू नो बिहेवियर, दे हैव एन ऑब्सेशन विद जिहाद, और वो हर चीज को ना जो पाकिस्तानी स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे जो लोग भी हैं उनकी भी कंडीशनिंग थोड़ी इस तरह से हुई है कि दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रिज्म ऑफ रिलीजन। तो उनको तो बस दुनिया भर में पाकिस्तानियों को तो ऐसा ही है कि कहीं पे भी कोई अगर विक्टिम है, वो मुसलमान है, तो वो उसको अपना जो है जाती मसला बना लेते हैं। फिर आप चाहे फिलिस्तीन की बात कर लें, चाहे वो आप भारत की बात कर लें, एज लॉन्ग एज ये ऐसी जगह में किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत हो जाए जो एक डेमोक्रेसी है और जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अक्सरियत में है, तो वो पाकिस्तान का तो शुरू से ही ऐसा है कि वो उनका दर्दे सर बन जाता है। एंड इंडिया के साथ तो आपको पता है कि एक स्पेशल इक्वेशन भी है, एंड समहाउ दे वुड नेवर वांट टू टेल अस कि जो जिन्ना साहब हैं जब उन्होंने पार्टीशन की बात की थी और जब द पुश केम टू शव, तो जब एक्चुअल पार्टीशन का टाइम आया तो उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को क्या कह के कहा था कि आप पीछे रह जाएं, यू नो इतनी ज्यादा क्लैरिटी की कमी है इवन पार्टीशन के इवेंट्स पे भी कि अगर आप चाहे ना, अगर एक इंडियन चाहे तो वो पाकिस्तानी को बड़े अच्छे तरीके से फैक्ट्स के बेसिस पे जवाब दे सकते हैं कि अरे यू शुड बी द लास्ट पीपल टू वरी अबाउट द इंडियन मुस्लिम्स, आपको जो आपका मुल्क मिला ना वो आपको इंडिया की कॉस्ट पे मिला, वो चाहे वो हिंदू की कॉस्ट पे मिला या मुसलमान की कॉस्ट पे मिला, जो आपने जो लिया है ना, आप कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी, आपने कुर्बानियां दी नहीं, आपने कुर्बानियां ली ना, तो आपके जो कैद थे जिनको आप कुछ कोई फादर ऑफ द नेशन मानते हैं ना, उन्होंने कोई कुर्बानी दी, वो तो इस तरह के शख्सियत थी उनकी कि वो तो पार्टीशन के बाद कहते थे कि मुझे तो वापस मुंबई में आके अपना रहना है और जो मेरा जो घर है प्लीज उसको तोड़िएगा नहीं, मैं तो वहीं आके रहूंगा। तो जो पाकिस्तान की लीडरशिप भी शुरू से रही है, दे वर लाइक सो फुल ऑफ देमसेल्व्स, एंड मतलब मुझे तो पाकिस्तानी का कंसर्न ही आज तक समझ में नहीं आया कि उनको इंडियन मुस्लिम का इतना कंसर्न क्यों है। भैया आप ये तो देख लें कि जिस बंदे ने आपका मुल्क बनाया था उसको इंडियन मुस्लिम्स की कितनी फिक्र थी, वो जाते जाते उनको कह के चला गया कि आप इफ फॉर द फेट ऑफ दीज 7 करोड़ फ्रेंड्स ऑफ योर्स और को रिलीजनिस्ट्स ऑफ योर्स यू हैव टू लाइक यू नो सैक्रीफाइस योरसेल्फ, गो अहेड एंड डू दैट। आई मीन अब आप अगर कोई उनसे उस टाइम जिन्ना साहब से पूछता कि भाई अगर ऐसा ही है, अगर इंडिया में मुसलमान रह सकते हैं आपके हिसाब से, तो फिर आपको अलग मुल्क बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट somehow पाकिस्तानियों को ऑब्सेशन है इस किस्म का, दे डोंट लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली जो उनकी आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा इस नजरिए का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपकी जो नाक है हमेशा दूसरों के बिजनेस में है, आपको कुछ पता नहीं है आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है, आपको कुछ पता नहीं है कि आपके यहाँ के सोशल फैब्रिक का क्या हाल है, आपको बस दूसरों के ऊपर इंडिया में क्या हो रहा है जी वहाँ क्या हो रहा है। अगर हम इतने ही बुरे हैं एज अ नेशन, इफ यू आर सो रिग्रेसिव, व्हाई आर वी प्रोग्रेसिंग ऑन सो मेनी पैरामीटर्स, दैट्स द क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। आपको ये नहीं पता कि कल आपके पास बिजली होगी कि नहीं होगी, पर आपको तकलीफ है कि भारत में इसके बारे में बात हो रही है, क्या मतलब यू नो पाकिस्तानी मुसलमान को नहीं पता है कि क्या आपको ये बताया नहीं जाता शुरू से कि आपको स्वाब मिलेगा जी अगर आप कोई नॉन मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट कर देंगे तो आप तो नहीं जन्ना में चल जाएंगे, क्या इनको ये चीजें नहीं पता है?
I mean, I know I'm being a little politically incorrect here. Most people wouldn't want to talk about it, but it's time we address the elephant in the room. मतलब आए बाए शाये घूम के कुछ नहीं मिलने वाला है. आप लव जिहाद बोले, जो मर्जी जिहाद बोले, the reality is that this is a problem within a particular community, and you know, this has been haunting us forever. It's time we address it, and you know, we ask important questions. बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि दोनों देशों के बीच में जो दरारें शुरू दिन से चली आ रही हैं, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माइंडसेट का है. वो माइंडसेट जिसने टू नेशन थ्योरी की बात की, जिसने धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा किया. मगर इसके साथ साथ सोनम, आपकी गहरी निगाह पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल सर्कमस्टांसिस पर भी रहती है. आपका सोशल मीडिया बताता है कि इमरान खान का ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल चला आ रहा था, इस पर भी आपकी कमेंट्री बहुत ही प्रिसाइज रही. पाकिस्तान का इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज और आर्मी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्तों पे बना हुआ है, आप उसको किस निगाह से देखती हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो दरारें हैं उसमें सिर्फ माइंडसेट का ही मसला है या वहाँ का पॉलिटिकल निज़ाम भी है? देखिए, मैं तो बिल्कुल यही मानती हूँ, वो चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को मुझे जज करना हो या इंडिया के सिस्टम को जज करना हो या कहीं के भी सिस्टम को जज करना हो, योर पॉलिटिशियन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. ठीक है, आप उसको वोट करके चूज कर रहे हैं. अगर आज बिलावल भुट्टो, आई मीन वी ऑल नो दैट ही इज ऑफ कोर्स फार मोर प्रोग्रेसिव देन यू नो पीपल हु बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान बिफोर, हमें सबको ये बात पता है. ठीक है, पर आप देखें वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. आफ्टर ही बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर, ही इज एक्टिंग लाइक यू नो प्रीटी मच लाइक हाउ ज़िया उल हक वुड एक्ट और हाउ भुट्टो वुड एक्ट और यू नो हाउ एन इमरान वुड एक्ट. तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंपल्शन बन चुकी है. और आप सिर्फ अगर वहां के एलीट को इसका दोष दे देंगे कि भाई जो आर्मी है, ये आर्मी वाले जो हैं ये पॉलिटिशियन को तंग करते हैं अगर वो इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाना चाहे, तो या फिर अगर आप कह दें कि भाई जो कंट्री के सारे इलीट हैं वो गलत हैं, उन्होंने अपने कोई मफाद के लिए जो है सबको लाइन में लगाया हुआ है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती. देखिए, इमरान खान जो है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, किस तरह से अपनी मन घड़त कहानियां बना बना के कि मुझे देखें मेरी गवर्नमेंट टॉपल कर दी. एंड किसी बच्चे को भी समझ में आएगा जिसको थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है. बट आप पाकिस्तान में देखें किस तरह से मतलब करोड़ों लोग जो हैं उनके पीछे लगे हुए हैं कि ये कोई पता नहीं कोई कितना सादिकुल अमीन आदमी है और ये पता नहीं हमारा कोई नया कोई उम्मा का लीडर यू नो उभरता हुआ लीडर है. तो आप तो फिर उस कंट्री को जज करेंगे ना. आप ये तो नहीं कह सकते कि ये जो कोई 100 पॉलिटिशियन है इनकी सारी गलती है. वो पॉलिटिशियन वही लाइन टो कर रहा है जो आवाम सुनना चाहती है. अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पाकिस्तान में सेंसिबल लोग नहीं होंगे, वहाँ पे काफी सेंसिबल लोग हैं. आई हैव फ्रेंड्स ऑफ माय ओन जो खुद बताते हैं कि यार यहाँ पे माइनॉरिटीज का इतना बुरा हाल है कि हम लोग पर्सनली कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें. जो वहाँ के जो ह्यूमनिस्ट हैं या फिर जो एक्टिविस्ट हैं, ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर. बट आप यू विल हैव टू सी दे आर कॉलिंग द शॉट्स. They are not the people who are calling the shots. And मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी जो लीडरशिप है वो तब्दील भी हो जाए तो भी कोई इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आ सकता है. मैंने तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है. आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बिकॉज जो भी आएगा इवेंचुअली उसको पॉपुलर यू नो जो पॉलिटिक्स होती है, जो लोगों को पसंद आती है एट लार्ज, वही करनी पड़ेगी. एंड ओवर द ईयर्स इस तरह की कंडीशनिंग की गई है पाकिस्तान में कि वहाँ के लोग जो हैं वो कश्मीर और इस्लाम और पता नहीं इसके बियॉन्ड सुनना ही नहीं चाहते वो कुछ. तो फिर जो आएगा वो मतलब इमरान खान, आप देखें पहले किस तरह की बातें करते थे जब पावर में आने से पहले, वो माइनॉरिटीज की बात करते थे, वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, और आते उन्होंने यू टर्न ले लिया. और पता चला है कि आज उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिया है. वो पहले कह रहे थे कि कितने दिन से वो पाकिस्तान की फौज को अटैक कर रहे हैं कि ये जो है यू नो पॉलिटिक्स में ये लोग इंटरफेयर करते रहे हैं, और ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे वो वहाँ की हुकूमत से बात करने के लिए. एंड अपेरेंटली अब वो उसके लिए भी तैयार हो गए हैं. तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान में कोई रिलायबल मतलब है भी जिससे आप बात भी कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो. आई रियली होप इट गेट्स बेटर, बट honestly speaking, I am quite pragmatically pessimistic about Pakistan's future as a country.
आई होप द गुड सेंस प्रिवेल्स वन डे एंड दीज गाइज स्टार्ट टू सी बियॉन्ड रिलीजन एंड यू नो ऑल दैट. आपने कहा कि ये बात तो वाकई समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए। यही बात 2-1 बरस पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी कि व्हेन इट कम्स टू डीलिंग पाकिस्तान, तो वो ये कहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उनसे वर्ल्ड लीडर्स पूछते हैं कि भाई किससे बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर से बात की जाए, चीफ द आर्मी स्टाफ से बात की जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आती। और आपने कहा कि वहाँ के हालात जो भी हो जाएं, आपको समझ नहीं आती कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप कहती हैं कि ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आता। भारत में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बड़ी स्ट्रांग है, यानी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और उनकी जो जो आइडियोलॉजी है वर्ल्ड स्टेज पे वो बहुत अप्रिशिएट की जा रही है। तो वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त जो भारत जहाँ खड़ा है, आप समझती हैं कि उनको कोई पाकिस्तान की फिक्र भी अब रही है? जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता. मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें बहुत इररिलेवेंट हो गया इंडिया में. कॉन्ट्ररी टू व्हाट मेनी पाकिस्तानी एनालिस्ट्स बिलीव एंड वुड लाइक टू बिलीव और दे वुड कंटिन्यू टू रेक दैट अप कि भाई हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे बात नहीं कर रहे. आई थिंक वी हैव रियली पास्ट दैट पॉइंट. अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन एंड अब पाकिस्तान की भारत में इतनी हैसियत है जितनी किसी एक डिस्ट्रैक्शन की होती है. पहले शायद यहाँ पे एक फीलिंग थी कि भाई हम हमसाए हैं और जो है हमारे अच्छे आपस में ताल्लुकात होने चाहिए. आई डोंट थिंक वो फीलिंग अब इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, एटलीस्ट पावर कॉरिडोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है. हो सकता है कि लोगों के अपनी कोई जाती राय हो एंड आई एम श्योर देर आर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड देर आर लाइक पीस की वो जो अमन की आशा वाले जो आंटी अंकल्स हैं they would certainly still have that feeling. I get that feeling from time to time, but then one has to be pragmatic, right? My own grandmother was from Lahore and on my maternal side. And of course, I mean, for the longest time, I had this feeling that one day I want to visit Pakistan and I want to see wahan pe log kis tarah se rehte hain. And of course, we were one country at one point in time, but आई थिंक नाउ आई हैव ऑल्सो कम टू रियलाइज कि बहुत ही मुश्किल है. मतलब कोई मिरेकल हो जाए तो फिर हो जाए, वही हो सकता है. मेरा नहीं ख्याल कि अब जो भारत की जो हुकूमत है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है. यहाँ पे पाकिस्तान का तभी जिक्र होता है जब हम टेररिज्म की बात करते हैं या फिर जब हमारे लिए जो भाई जो भी डिस्ट्रैक्शंस है इस खित्ते में जो हमारी जो ग्रोथ के लिए एक हिंड्रेंस बन सकती हैं या फिर जो जिनकी वजह से हम डेली बेसिस पे परेशान होते हैं कश्मीर में. अदरवाइज ऑल्सो आई मीन बींग अ यू नो पाकिस्तानियत इज प्रीटी मच अ माइंडसेट. इट्स नॉट इवन अ नेशनैलिटी, राइट? आई मीन यू कैन काइंड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दैट माइंडसेट ऑल्सो. सो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के माइंडसेट से जो यू नो जो इस तरह की जहनियत रखते हैं और जो जिनको मैं कहूँगी कि मेंटली बीमार हैं. अगर आप 21st सेंचुरी में भी इंसानियत को घुटों में बांट रहे हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये नॉन मुसलमान है और हमने कोई पता नहीं क्या बनाना है इस दुनिया में, और यू नो अगर आप 21st सेंचुरी में भी अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो फिर एज दे से खुदा ही आपका हाफिज है. बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस इन टू दिस टाइम. एंड आई रियली डोंट थिंक कि इंडिया में इसके बारे में बात भी होती है कि अब हमें इनसे कैसे रिश्ते रखने चाहिए. हम यहाँ पे यही बात होती होगी या होती है कि इनसे जान कैसे छुड़ाएं. मतलब किस तरह से इनका ये जो ऑब्सेशन है कि ये हिंदू और ये नॉन मुस्लिम इस तरह की जो इनकी जहनियत है किस तरह से मतलब यू नो इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, इनको ठीक नहीं किया जा सकता. आई थिंक यहाँ पे अब ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि एक तो आप देखें पाकिस्तान की जो खुद का जो पैथ रहा है, आप उनकी इकोनॉमी के क्या कितने फटे हाल हैं. एंड अदरवाइज ऑल्सो इमरान खान ने भी पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है बहुत सारे कंट्रीज के साथ खराब की. उनकी जो बयान बहादुर है वो कि कुछ भी कह देते हैं कहीं पे. तो पाकिस्तान इज राइट नाउ प्रीटी ग्लोबली आइसोलेटेड. और फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर आपने देखा होगा जो टीटीपी ने भी सीज फायर को कॉल ऑफ कर दिया पाकिस्तान आर्मी के साथ. आई मीन देयर नेवर रियली वाज अ सीज फायर, बट एटलीस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को तो पाकिस्तान की फौज ने यही बताया था कि चीजें कंट्रोल में हैं. एंड देर इज अ ट्रेजिडी नॉकिंग राइट एट द डोर ऑफ आर पाकिस्तानी फ्रेंड्स. आई होप दे रियलाइज इट यू नो सूनर देन लेटर.
क्योंकि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांपों को पालेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हम मुजाहिद बनाएंगे और फिर उनको इंडिया भेजेंगे, तो ना तो ये 90s का इंडिया है, ना तो हमारी फौज जो है वो आज, देव ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे, राइट? दे आर ऑल्सो बैटल हार्डन्ड. द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज लाइक, दे आर लाइक नो नॉनसेंस पीपल, एंड दे डू हैव द विलिंगनेस टू गो आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन टू रिस्पॉन्ड इन द मैनर दैट समबडी अंडरस्टैंड्स. तो वो एडवेंचर्स वाला वक्त बिल्कुल निकल गया है. एंड हम तो बस यही कह सकते हैं यहाँ बैठ के कि चले पाकिस्तान में लोग जो हैं वो अपना देख लें. हमसे तो चलो वो नफरत करना शायद कभी बंद नहीं कर पाएंगे, अब हम उम्मीद भी नहीं करते इस चीज़ की, बस वो अपना देख लें, अपने मुल्क को साथ में रख लें. आई वुड नेवर से कि यार इनके चुक टुकड़े हो जाएं एंड ऑल दैट. आई मीन वी ऑल्सो हैव लाइक लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ दैट. आई मीन नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया. आई वुडंट कम फ्रॉम दैट पोजिशन ऑफ रेटरिक कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. आई वॉन्ट वेल फॉर देम, बट आई थिंक टॉकिंग अबाउट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, द सिचुएशन इज प्रीटी होपलेस. आपने कहा कि दोनों देशों के बीच जो तल्लुकात की उम्मीद रखना है वो अब बहुत होपलेस सिनेरियो हो चुका है। अमन की आशा की आपने बात की, और ये अक्सर कहा जाता है कि दोनों देशों के जो लोग हैं वो एक ही तरह के दिखते हैं, एक ही तरह के खाने हैं, एक ही तरह का कल्चर है, थोड़ा रिलीजियस फ़र्क के साथ। हालांकि भारत में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, जी लेकिन ये भी हम देखते हैं सोनम, ऑन द अदर हैंड दुनिया में जो एक ही तरह के लोग हैं वो इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान की बात देख लीजिए, कोरिया की बात देख लीजिए, आप चाइनीज़ नेशंस की बात देख लीजिए, ताइवान और चीन के जो एक ही तरह के लोग हैं, आप यूक्रेन और रूस की बात देख लीजिए, एक ही तरह के लोग हैं। एक व्लादिमीर उधर यूक्रेन में बैठा हुआ है, एक व्लादिमीर रशिया में बैठा हुआ है, और दोनों लड़ रहे हैं। तो एक ही तरह के लोग एक दूसरे के गरबानों पे हाथ जो डाल रहे हैं, वही सिचुएशन हमें भारत और पाकिस्तान में नजर आ रही है। आज के शो में आखिर में आप ये बताइए कि ये बात तो आपकी मैं समझता हूं कि होप कोई नहीं है, लेकिन क्या ये इसी तरह ही वहां पे चलता रहेगा, या आफ्टर ऑल इसको ठीक करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही चलता रहेगा. ठीक करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट वन आल्सो हैज टू बी प्रैक्टिकल, राइट? आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकते एक होपलेस केस पे. दूसरी बात, आपने कहा कि जैसे यूक्रेन और रशिया का भी कॉन्फ्लिक्ट है. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो दुनिया भर में होते हैं, मुल्कों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं. बट आपका जो मोटिवेशन है वो वॉर में जाने का, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज स्ट्रेटेजिक, राइट? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी मसले मसाइल है वो स्ट्रेटेजिक नहीं है. एक बार परवेज मुशर्रफ साहब से किसी ने कराची में पूछा था कि अगर हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मसला है वो हल हो जाए तो क्या इन दोनों ममालिक के बीच में जो है वो अमन हो सकता है. तो उन्होंने साफ कहा था कि वी आर टू सिविलाइजेशंस एट वॉर, एंड हमारे जो मसले हैं शायद वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते. एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बना रहेगा. सो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से आई हैं. वी वर लिविंग इन द लाला लैंड फॉर एवर, कि क्योंकि हमें तो इस तरह की चीज़ें समझ आती नहीं है कि ये सिविलाइजेशनल वॉर क्या होती है. हमारी तो फिलोसफी बड़ी सिंपल है कि जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार की तरह है, एंड यू नो योर ऑल ऑल ऑफ अस आर हियर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, राइट? यू नो यू 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 हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ. और हमारे रिलीजन में भी, हिंदू रिलीजन में भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जो हमें बार बार रिकमेंड करते हैं कि यू नो वी फ्रॉम टाइम टू टाइम वी इंट्रोस्पेक्ट एंड वी डिस्चार्ज आर सोशल ड्यूटीज वेल, एंड वी मेक श्योर दैट यू नो वी आर काइंड टू अदर्स. हम उस तरह की हमारी सोच नहीं है कि हम ऐसे सोचें कि भाई ये मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं और हम कभी एक नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जिनकी ऐसी सोच होगी, बट लार्जली पीपल हु आर रियली गाइडेड बाय द ट्रू हिंदू फिलोसफी, दे वुड नॉट थिंक ऑन दोज लाइंस. सो आई थिंक जो भी हमारे इख्तलाफात हैं दैट इज एमिनेटिंग फ्रॉम दैट बिगेटेड पोजिशन कि भाई ये लोग जो हैं ये आइडल्स की पूजा करते हैं और इनके साथ जो है हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और ये मुनाफिक हैं और ये मुशरिक हैं. इतने भारी भारी इस तरह के वर्ड्स यूज करना, मतलब द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन.
इन चीजों के लिए किसके पास टाइम है? अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड आर सो सक्सेसफुल, यू नो, अगर आप हर चीज का एंगल जो है रिलीजन से निकालने लगे, मतलब आपके पाकिस्तान में लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं रिलीजन से कि अभी पीछे एक फिल्म वहां पे रिलीज हुई थी, जॉय लैंड, विच वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म, यू नो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म आई वुड से, सो क्रिटिकली एक्लेम्ड. दे वॉन्टेड टू बैन इट बिकॉज देर वॉज अ ट्रांस कैरेक्टर इन दैट फिल्म. एंड उसके ऊपर जब डिबेट हो रही है ना ताहिर जी, तो मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि यार पाकिस्तान का जो इवन जो लिबरल तबका है वो कितना पीछे है. यू नो, आप पाकिस्तान में रहकर तो लिबरल बन सकते हैं, बट अगर आप दुनिया में बाहर जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं. जो इवन वहां के लिबरल्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार नहीं, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, मतलब इस पे नहीं बैन होना चाहिए, वो भी जब डिस्कस कर रहे हैं ना तो वो रिलीजन के दायरे में रहकर कर रहे हैं कि ये तो हमारा रिलीजन भी कहता है कि नहीं ऐसा, तो ये जो ख्वाजा सुरा होते हैं ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनको आप फिल्मों में दिखा सकते हैं. तो मतलब भाई आप कब उस मानसिकता से बाहर आएंगे कि हर चीज को आपका जवाब जो है आपको रिलीजन से नहीं मिल सकता. आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू यू यू आर फेसिंग इन योर डेली लाइव्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन. यू हैव टू अप्रोच थिंग्स फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर. आई मीन यू यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर कोई बंदा ट्रांस है या कोई बंदे की कोई होमोसेक्सुअल है, इज इट इम्पैक्टिंग मी इन एनी वे? इट्स नॉट इम्पैक्टिंग मी. आई मीन गो अहेड, बी माई गेस्ट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. हर चीज का जवाब मजहब में ढूंढना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आप चीजों को इस तरह से देखें कि भाई मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है, क्या चीज मुझे पर्सनली इम्पैक्ट कर रही है, नहीं कर रही है. भाई कोई हिंदू क्या मुझे, अगर पर्सनली कोई मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं उससे नफरत करूं. लोगों के अमाल के बेसिस पे उनको जज करें, ना कि वो किस तरह से इबादत करते हैं, किसकी इबादत करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं. आई मीन वी गॉट टू मूव ऑन. जी, बहुत अच्छी बातें की, बातचीत आपके साथ करते रहेंगे आज के शो में। बिल्कुल आखिर में ब्रीफली कंक्लूड कीजिए कोई ऐसी बात जो आप और मैं इस डिस्कशन में नहीं कर पाए, या जो अब तक हमने बातें की हैं उनको कैसे समाप्त करना चाहेंगे आप? देखिए मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा होता अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते. ऑफ कोर्स देर इज जस्ट टू मच कॉमन बिटवीन द टू कंट्रीज. एक पाकिस्तानी अपने आप को कितना भी बड़ा मुसलमान कह ले, ही वुडंट हैव सो मच टू शेयर विद अ पैलेस्टीनियन द वे ही हैज टू, यू नो, द काइंड ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड हिस्ट्री ही हैज विद एन इंडियन. हमारे खाना सेम है, हमारी शक्लें बहुत मिलती जुलती हैं, हमारा पहनावा मोर और लेस सेम है, सब कुछ है. बट यू नो इट नीड्स नीड्स बिग एफर्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड अगर वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों. वी आर ऑलवेज फॉर इट. इट्स जस्ट दैट कि अब इंडिया में जो एक प्रोएक्टिव यू नो एफर्ट लगाया जाता था ना कि भाई किस तरह से हमारे बीच में चीजें ठीक हो जाए, वो बंद हो गया है. एंड आई थिंक अब वो अप्रोच इज हियर टू स्टे. अगर अब हमारी जो हुकूमत है वो तब्दील भी हो जाए ना कल को, तो आई थिंक इवन जो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी, अगर वो मान ले कोई सेंटर या कोई लेफ्ट भी आता है, इवन दे वुड नो कि यार ये कंट्री जो है होपलेस है, इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं टाइम लगा सकते. तो मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो यही रहेंगे कि जो पाकिस्तान की आवाम है प्लीज थोड़े होश के नाखून लें. हम आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि आप अलग लोग हैं या कुछ हैं. आपका अपना मजहब है, आपने वो चुना है अपनी मर्जी से, आपको जो फॉलो करना है वो करें. एंड पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑफ कोर्स आप उनको ब्लेम कर सकते हैं कितना भी करना चाहें, एंड आप इंडिया में भी जितना इंटरेस्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे अपने घर की गंदगी हमें खुद ही साफ करनी पड़ती है. अपना घर आपका गंदा हो और आप दूसरे का घर साफ करने निकलेंगे तो यू ओनली हैव डिसअपॉइंटमेंट टू मीट. सो आई वुड से कि बोथ द कंट्रीज शुड फोकस ऑन देयर ओन मैटर्स. व्हाट कंसर्न्स यू इन योर डेली लाइफ? यू नो यू हैव लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड ईयर्स, यू नॉट हियर फॉर एवर, यू नॉट एन इमॉर्टल बींग एनी ऑफ आस. सो लेट्स बी अ लिटल मोर प्रैग्मेटिक, ट्राई टू मेक आर लाइव्स एज बेटर एज वी कुड. एंड या फोकस ऑन बेटर थिंग्स यार. आई मीन फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन हैविंग अ बेटर लाइफ स्टाइल, ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर डे बाई डे एंड हैव योर प्रियोरिटीज सॉर्टेड. दैट्स अबाउट इट. बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में भी, महीनों में भी आप हमें
कुछ ना कुछ वक्त देती रहेंगी आपके हम जो बहुत बढ़िया एनालिसिस हैं इसी तरह अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने का. थैंक यू व्यूअर्स. बातचीत सुन रहे थे आप सोनम महाजन साहिबा की और उनकी बातें बहुत प्रिसाइज हैं और इस पे दोनों तरफ से सोच विचार की एक गुंजाइश निकलती है और हमारी कोशिश होती है कि टैग टीवी पर हम इसी तरह की बातें लाते रहें. टैग टीवी के ऐप्स आप एंड्रॉयड एप्पल अमेजोन और रॉको के डाउनलोड कीजिए. वॉच अस 24/7, वॉच आर न्यूज़ एंड व्यूज़ 24/7 और इसके साथ साथ आप अगर हमें कंट्रीब्यूट कर सकें तो पेपॉल पैट्रॉन के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. आज का गुफ्तगू का एक राउंड अप मेरे साथ और सोनम महाजन जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.